पूर्व विधायक अजय महाजन ने विधायक राकेश पठानिया पर पलटवार करते हुए कहा कि एक साल होने को है और जसूर में प्रस्तावित बस स्टैंड के अतिरिक्त नूरपुर क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़ा है। उन्होंने कहा कि विधायक राकेश पठानिया उन्हें कोसने की बजाय नूरपुर के विकास कार्यों की ओर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि विधायक ने कांग्रेस कार्यकाल में नूरपुर के विकास न होने के जो आरोप लगाए हैं तो वे अपना चश्मे का नंबर बदलें ताकि उन्हें पता चल सके कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने नूरपुर दौरे के दौरान करके गए हैं वे कार्य कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुए थे। उन्होंने कहा कि अपने पिछले कार्यकाल में विधायक राकेश पठानिया ने मात्र 2 स्कूल अपग्रेड करवाए थे लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में 37 स्कूल अपग्रेड हुए हैं। अस्पताल में आईसीयू का निर्माण, बच्चों के लिए आईसीयू तथा वार्मिंग मशीनें लगवाई गई तथा सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त 298 करोड़ की सड़कों की स्वीकृति भी करवाई गई। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं का काम कांग्रेस सरकार के समय पूरा हो गया है और कई सड़कों का काम अभी अधूरा है जो कि वन विभाग की एनओसी के कारण है। उन्होंने कहा कि आईपीएच विभाग में 29 नलकूप तथा अनेक सिंचाई योजनाएं, पेयजल योजनाएं, सुलियाली के आयुर्वेदिक अस्पताल, अनेकों डिस्पेंसरियां, 5 पुल, आर्य कॉलेज में नए ब्लॉक की बिल्डिंग, नूरपुर का बस स्टैंड विकास के रूप में जनता को समर्पित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक राकेश पठानिया जिन पुराने कार्यों को अपने द्वारा करवाया गया कार्य बताते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं वे सभी स्वर्गीय सत महाजन के समय स्वीकृत करवाए गए थे। स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम ये जो 10 महीने या 1 साल हो गया है, 1 साल की बात है, 10 महीने नहीं रहे, 1 साल हो गया है, हम उनके टाइम का हिसाब नहीं मांग रहे। हम अपने कांग्रेस टाइम के जो हमने शिलान्यास किए थे, जो पैसे आए थे, जो अनाउंसमेंट थी, उसका जो काम नहीं हुआ है हम उसका हिसाब मांग रहे हैं। इनका जो अनाउंसमेंट हुई है ये तो अभी बाद में आनी है, अभी तो अभी उनकी शुरुआत भी नहीं हुई। ये तो हमारे जो कांग्रेस सरकार में वीरभद्र सिंह जी के जब चीफ मिनिस्टर थे और मैं यहाँ का एमएलए था तो जो वहां पे जो पैसे सैंक्शन हुए थे उसका जो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ उसके बारे में मैं उसका हम हिसाब मांग रहे हैं और उसका हिसाब देना उनका फर्ज है। इसमें कोई इतनी उत्तेजित होने की बात नहीं है, इतने गुस्से में आने की बात नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आपको नूरपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो आपकी कुछ जिम्मेवारियां भी बनती हैं कि पिछले हमारे टाइम के जो कार्यकाल में जो सैंक्शंस हुई हैं उसका जवाब दो। यहां पे हमारे टाइम में कोई 200 करोड़ से ऊपर सड़कें सैंक्शन हुई जिसमें कुछ बन गई कुछ बनने को थी। 200 करोड़ एग्जैक्ट फिगर आपको दे दूंगा, आ रही है 200 करोड़ से ऊपर की सड़कें सैंक्शन हुई जिसमें कुछ बन गई और कुछ सैंक्शन हो गई हुई हैं, उसके टेंडर हो गए हुए हैं और टेंडर होने के बावजूद डिपार्टमेंट पे दबाव डाला जा रहा है, ठेकेदारों को टेंडर हो गए हुए हैं और अब 1 साल हो गया है दबाव डिपार्टमेंट पे है कि काम शुरू नहीं कराना। नूरपुर की जनता ने क्या कसूर किया है? क्या उनका कसूर है कि वो जो उनको राइटफुली उनको सड़कें सैंक्शन हुई हैं उनको रोका गया? अजय महाजन ने कहा कि नूरपुर की जनता ने उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है और वे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की दुख तकलीफ पर नजर रखें ताकि उनकी तकलीफ को उचित मंच पर उठाया जा सके, लेकिन विधायक राकेश पठानिया द्वारा ऐसी बात करना केवल राजनीति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरे कार्यकाल में स्वीकृत स्कीमों को शुरू होने से रोका जा रहा है, कुछ एक योजनाओं के टेंडर होकर ठेकेदारों को अवार्ड भी हो चुके हैं, उन्हें उस संबंधित विभाग में दखलंदाजी करके ठेकेदारों पर काम ना शुरू करने का दबाव डाला जा रहा है। पूर्व विधायक अजय महाजन ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पर्यटन होटल की वे बात कर रहे हैं उसे वे अपने कार्यकाल में बिजली का कनेक्शन तक नहीं लगवा पाए थे, उसे भी कांग्रेस सरकार बनने पर चालू किया गया है।